खजुराहो के मंदिर को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसी क्या मांग कर दी जिससे मच गया हंगामा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसपे मचने लगा हंगामा। धीरेन्द्र शास्त्री मांग कर रहे हैं कि खजुराहो के मंदिर में कोई प्रदर्शनी नहीं बनाए गए, ये मंदिर है, इनमें स्थित मूर्तियों को दर्शन के लिए आम लोगों के समक्ष ओपन कर देना चाहिए। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर यही बात कही तो सही है और यहाँ में पूजा पाठ भी होनी चाहिए, मगर यहाँ के चंदीन कालीन मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी हुई खंडित रूप में हैं, जिस कारण के यहाँ मंदिरों में पूजा नहीं होती, बल्कि लोग पैटर्न के रूप में यहाँ आकर मंदिरों को देखने के लिए आते हैं और पैटर्न विभाग में इन मंदिरों का रख रखाव करता है। अब देखना होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लेकर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। सब मुद्दों पर बयान देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री इस मुद्दे पर भी बोले। धीरेन्द्र शास्त्री वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। सतना से दिल्ली जाते वक्त उन्होंने कहा कि राजनीति के मामले में उनका ज्ञान अनुभव शून्य और सक्षम है, फिर भी आर्थिक सुधार जैसे हो सके, बहुत कम व्यवहार में चुनाव हो, उनकी धनराशि गरीबों में लगाया जाए, हमारे क्षेत्र में बिछड़े लोग बहुत हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, उनमें लगाया जाए जो कि निश्चित रूप से अच्छा बड़ा होगा।